अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ उमर, सिटी इंडिया न्यूज में आपका एक प्रस्ताव है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। एमसेट इंजीनियरिंग एग्जाम के 25 अगस्त को नतीजे जारी होंगे। रैंक की इजराई के लिए इस मरतबा नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जा रहा है। जिन तलबा को इम्तिहानी सवालनामा कठिन आया है उन तलबा को ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे और जिन तलबा को आसान सवालनामा आया है उनके मार्क्स में कटौती की जाएगी। इस तरीकेकार को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इस साल एमसेट एग्जाम 6 सेशन में मुनक्किद किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने नॉर्मलाइजेशन तरीकेकार पर अमल करने की हिदायत दी है। कठिन और आसान सवालनामे का जायजा लेने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी गई है ताकि तलबा को नुकसान से बचाया जा सके। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी पार्लियामानी कमेटी के अरकान के साथ इन दिनों जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पर हैं। पार्लियामानी कमेटी में कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके, जनता दल, जेडीयू, वाईएस और कांग्रेस और दिगर पार्टियों के ताल्लुक रखने वाले अरकान शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से है। श्रीनगर में पार्लियामानी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें एनटीपीसी के सदर नशीन ने अरकान का इस्तकबाल किया। कश्मीर में बर्फ की पैदावार और सरबराही का अरकान पार्लियामेंट ने जायजा लिया। मुल्क भर की बर्फी सूरत हाल और पैदावार के मसले पर पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने इजलास में कश्मीर में बर्फी सरबराही के मौकों से मुतालिक अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि मुल्क के दीगर रियासतों की तरह कश्मीर में भी बर्फी के मौकों को बेहतर बनाया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दीगर रियासतों की तरह कश्मीरी आवाम को भी तरक्की के एकता मौके फराहम किए जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना तहरीक के दौरान एहतजाज का मरकज रही, आज उस यूनिवर्सिटी में तलबा पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीमों ने मुखालिफ हुकूमत मौकूफ अख्तियार किया है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज जो हमेशा एहतजाज, जलसों और दिगर तकारीफ का मरकज रहा है, वहां अब कोई एहतजाज और तकारीफ नहीं हो पाएगी। यूनिवर्सिटी हुकाम ने गैर मुतवक्को तौर पर यह सख्तगीर फैसला किया जिस पर तलबा में बेचैनी पाई जाती है। यूनिवर्सिटी हुकाम का कहना है कि यूनिवर्सिटी के वखार को बचाने के लिए यह फैसला किया गया क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरसों में यूनिवर्सिटी के इहाते में सियासी सरगर्मियों से तालीम मुतासिर हुई है। हुकाम का कहना है कि आर्ट्स कॉलेज की शाना तालीम ज्यादा एहतजाज के लिए बन चुकी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डी रविंदर ने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुतफिक तौर पर यह फैसला किया ताकि तलबा एहतजाज से ज्यादा तालीम में मशगूल किए जा सके। नामालूम शरपसंदों ने मुबैना तौर पर महाराष्ट्र के नागपुर में महकमा इनकम टैक्स के एक सीनियर अहदेदार के घर से 2,20,000 रुपये माजियत के जेवरात और नकदी चोरी कर दी। एक पुलिस अफसर ने यह मालूम दी। बालेट माइंस पुलिस स्टेशन के एक अफसर ने मंगल को बताया कि ये वाकया नागपुर इनकम टैक्स कमिश्नर राजेश रंजन दीनानाथ प्रसाद के घर एकॉर्ड कॉलोनी में पेश आया। इस वाक्य की इत्तला पीर को दी गई। उन्होंने बताया कि प्रसाद 6 अगस्त को एक रिश्तेदार के घर मुंबई गए थे। इसी दौरान कुछ लोग उनके घर का ताला तोड़कर आए और उन्होंने मुबैना तौर पर 7,000 रुपये नकदी और सोने का हार चोरी कर लिया। अहदेदार ने बताया कि जब प्रसाद पीर को नागपुर वापस आए तो इन्हें इस वाक्य के बारे में मालूम मिली। इत्तला मिलने पर गट्टी माइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बैनर्जी ने कहा कि वजारत खारजा अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए काम कर रही है और रियासती हुकूमत बंगाल के बाशिंदों के साथ रबते में है ताकि इन्हें जल्द अज जल्द बाहिफाजत वापस लाया जा सके। उन्होंने गुज़िश्ता रोज वादा किया कि उनकी पार्टी 26 अगस्त को अफगानिस्तान के मसले पर मरकज की जानिब से तलब करदा कुल जमाती मीटिंग में शिरकत करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी लीडर
नारायण राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोरोना के दौर में अहकाम के खिलाफ वर्जी करके तिरंगा यात्रा निकालने वाले नारायण राणे की गिरफ्तारी का हुक्म नासिक के पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है, इसलिए डीसीपी सतह के अफसर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुल्क में गुजश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वबा से मुतासरा 39,000 से ज्यादा मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिसके सबब एक्टिव केसेस की शरह 1% से नीचे आ गई है। पीर को मुल्क में 63,85,298 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक 58,79,57,805 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऐन नीचे एक खातून को मर्दों का एक हुजूम 10 दराजी का निशाना बना रहा था। हुजूम में शामिल अफराद की तादाद सैकड़ों में थी। वो लगभग 20 से 25 मिनट तक खातून को हिरासा करते रहे। इस वक्त पास ही मौजूद कई अफराद ने अपने मोबाइल फोन के जरिए इस वाकये की वीडियो बना ली थी। इनमें से चंद वीडियो जब सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई तो इस वाकये के बारे में इल्म हुआ और पुलिस पर कार्रवाई का मुतालबा किया जाने लगा। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो सोशल मीडिया सारिफिन की बनाई हुई वीडियोस कारामद साबित हुई, लेकिन इन वीडियोस के जरिए पुलिस महज चंद मरकजी किरदारों की शनाख्त नहीं कर पाई, जबकि हुजूम में दर्जनों अफराद ऐसे थे जो खातून को हिरासत करने में मुलव्वस थे। इस वीडियो में नजर आने वाले बहुत से अफराद की शनाख्त मुमकिन नहीं थी। मुतासरा खातून के लिए भी मुमकिन नहीं था कि वो तमाम तर अफराद की शक्लें देख पाती या याद रख पाती। ऐसे लोग शायद समझ रहे होंगे कि वो बजाहिर महफूज हैं, क्योंकि वीडियो में उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वीडियो से हासिल करदा तस्वीर और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन्हें देखा जा रहा था और पुलिस बिलाखिर उन तक पहुंच गई। लाहौर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस उस वक्त तक 130 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से कुछ का ताल्लुक लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों से है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की ताकत तेजी से बढ़ रही है। तालिबान के सीनियर लीडर खलीलुर रहमान हक्कानी ने जियो न्यूज से कहा है कि तालिबान अशरफ गनी, अमरुल्ला साले और हमदुल्ला मुहिब को माफ करता है। तालिबान और तीनों के दरमियान दुश्मनी सिर्फ अकायद की बुनियाद पर थी। अशरफ गनी और अमरुल्ला साले अगर चाहें तो अफगानिस्तान लौट सकते हैं। इसके साथ ही तालिबान ने मुस्लिम ममालिक से मेल मिलाप की अपील भी जारी की है। 15 अगस्त को काबुल छोड़ने के बाद अशरफ गनी इस वक्त दुबई में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और जबकि अमरुल्ला साले ने अफगानिस्तान की पंजेशर वादी में अपना गढ़ बना लिया है। पंजेशर वादी से बागी तालिबान के लोगों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में तालिबान के लीडर खलीलुर रहमान हक्कानी ने कहा, हमने अशरफ गनी, अमरुल्ला साले और हमदुल्ला मुहिब को माफ कर दिया है। इन तीनों से उनकी दुश्मनी सिर्फ मजहबी बुनियाद पर थी। हक्कानी को अमेरिका ने एक आलमी दहशतगर्द करार दे रखा है, जिस पर $50,00,000 का इनाम है। हक्कानी ने कहा, हमने अपनी तरफ से सबको माफ कर दिया है, फिर चाहे वो लोग हों जिन्होंने हमारे खिलाफ जंग लड़ी थी या फिर आम शहरी हों। लोगों से अपील है कि वो मुल्क छोड़कर ना जाए। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की अफरा तफरी के दरमियान भारत मुसलसल अपने लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त एयर इंडिया के एक प्रवास पर 78 मुसाफिरों को लेकर 25 हिंदुस्तानी शहरियों समेत ताजिकिस्तान के दोशंबे से नई दिल्ली पहुंच गई है। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब के 3 कापियां भी हवाई जहाज से लाई गई है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब के फॉर्म दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लाए। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि हुकूमत अफगानिस्तान से तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को महफूज वापस लाने पर पुरअज़्म है। काबुल के मौजूदा सूरत हाल और हवाई अड्डे पर अफरा तफरी के दरमियान हिंदुस्तानियों के साथ साथ अफगानिस्तान के शहरियों को निकालना आसान नहीं है। सबसे बड़ा मसला इन्हें हवाई अड्डे पर ले जाना है। इन तमाम चैलेंजों के बावजूद भारत अब तक 800 से ज्यादा अफराद को वहां से निकालने में कामयाब रहा है। इनमें अफगान, हिंदू और सिख, मीस नेपाली शहरी भी शामिल हैं। ऐसे ही ताजातर इन खबरों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए।
मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।